सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर हाईवे को आंशिक तौर पर फिर से खोलने के लिए पंजाब और हरियाणा के पुलिस चीफ को पड़ोस के जिले पटियाला और अम्बाला के एसपी के साथ मीटिंग बुलाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से शंभू बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों को सड़क से ट्रैक्टर हटाने के लिए राजी करने को कहा है। प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के पुलिस प्रमुख से कहा है कि वह जिला एसपी के साथ हफ्ते भर के भीतर बैठक करे ताकि शंभू बॉर्डर के पास हाईवे को आंशिक तौर पर खोला जा सके। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की ओर से एक समिति गठन को लेकर गैर राजनीतिक लोगों के नाम सुझाए जाने पर सराहना की है। ये कमेटी प्रदर्शनकारी किसानों के साथ मीटिंग करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, महिलाओं, एम्बुलेंस और स्थानीय लोगों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके, इसके लिए शंभू बॉर्डर पर सड़क को आंशिक तौर पर खोले जाने की जरूरत है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने फरवरी में अम्बाला नई दिल्ली हाईवे पर अवरोध लगाकर उन्हें रोक दिया गया था, जिसके बाद से प्रदर्शनकारी किसान शंभू बॉर्डर पर जमे हुए हैं।